बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। आज हम आपके साथ सरसों के साग की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि विंटर स्पेशल है। उसके लिए हमने फ्रेश मस्टर्ड लीव्स, सरसों का साग 3 बंच, स्पिनिच पालक 1 बंच, फ्रेश फेन्यूग्रीक लीव्स मेथी 1 बंच, फ्रेश गोसफुट लीव्स 1 बंच। अब इन्हें चॉप करके अच्छी तरह वॉश कर लेंगे ताकि इनकी सारी मिट्टी अच्छी तरह निकल जाए। पैन में हमने चॉप ग्रीन्स ऐड कर दिया है, जिसमें हमने सरसों का साग, पालक, बथुआ और मेथी ऐड किया है। अब हम इसमें होल गार्लिक 1 रफली चॉप्ड ऐड करेंगे, 35 ग्रीन चिली रफली पेस्ट बना के ऐड कर दें, टर्मरिक पाउडर 1 टेबलस्पून, 3 ग्लास हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। से कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसे कुक करेंगे जब तक वाटर हाफ कप ना रह जाए, और वक्फे वक्फे से इसे चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम कुक करेंगे। साग अच्छी तरह गल चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है, बस इसमें हाफ कप जितना पानी रह गया है। अब हम इसे दूसरे पैन में ऐड कर लेंगे। साग को हमने छोटे पैन में कर लिया है, अब हम इसे इसकी हेल्प से घोट लेंगे। आप इसे चॉपर या हैंड ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे इससे घोटेंगे। उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लावर, मकई का आटा 1/2 कप ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे अच्छी तरह घोट लेंगे। साग को हमने अच्छी तरह घोट लिया है, अब हम इसे 3 मिनट्स के लिए कुक करेंगे और इसमें 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। साग को कुक करते हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और साग के लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें 1 कप क्लेरिफाइड बटर ऐड करेंगे। आप इसकी जगह देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका मज़ा और भी बढ़ जाएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखेंगे और इसे गरम कर लेंगे। घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक चॉप ऐड करेंगे और इसे चलाएंगे, लाइट सा कलर देंगे। गार्लिक में लाइट कलर आ चुका है, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर जूलियन ऐड करेंगे, 10 to 15 होल रेड चिली और इसे मिक्स करेंगे। 1/2 मिनट तक कुक करेंगे। तड़का तैयार है, हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, साग के अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। लीजिए, मज़ेदार गर्मा गर्म सरसों का साग तैयार है। आप इसे गरम गरम मकई की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे चावल की रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। आप भी हमारी ये रेसिपी बनाएं और अपने प्यारों के साथ इंजॉय करें, और हमें अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.